कक्षा आठवीं विषय संस्कृत आज छठवा पाठ षष्ठ पाठ है स्वामी विवेकानंद। इसमें पाठ में विवेकानंद के बारे में बताया गया, उनके जीवन परिचय दिया गया है। पहला प्रश्न एक पद में स्वामी विवेकानंद बालकालस नाम किम आसीत, तो आएगा नरेंद्र नाथ। प्रश्न दूसरा स्वामी विवेकानंद मातु नाम किम आसीत, तो उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। प्रश्न तीसरा नरेंद्र नाथ पितु नाम किम, तो नरेंद्र नाथ के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। फिर प्रश्न चौथा नरेंद्र नाथ जन्म कश्मीर नगर भर, तो नरेंद्र नाथ जी का जन्म हुआ था कोलकाता नगर। फिर प्रश्न पांचवा नरेंद्र नाथ गुरु नाम की मसीह, तो नरेंद्र नाथ गुरु के नाम स्वामी राम। एक वाक्य में अपने को दो प्रश्न करना है। प्रश्न पहला नरेंद्र नाथ जन्म कदा भवत, तो आएगा नरेंद्र नाथ जन्म जनवरी मास से द्वादश दिनांक 1863 ख्रीस्तवदे अभवत। और फिर दूसरा प्रश्न है स्वामी विवेकानंद कदा ब्रह्मलीनो एस भवता, तो आएगा स्वामी विवेकानंद जुलाई माह से दिनांक चतुर्थे दिनांक 1902 ख्रीस्तवदे ब्रह्मलीनो एस भवता। फिर उसके बाद है प्रश्न छठवा देखना है संधि विच्छेद का, तो संधि विच्छेद में ये दिया है तीन, अभी और आगे की वीडियो में। प्रश्न छठवे का चौथा तस्य अवधारणा तस्य धन अवधारणा दीर्घ स्वर संधि। पांचवा अनेनेव धन अनेन धन एव वृद्धि स्वर संधि। छठवा कार्यमस्ति कार्यम धन अस्ति व्यंजन संधि। प्रश्न सातवा समास विग्रह करो का लोक सेवका लोकस सेवका षष्ठी तत्पुरुष। ख परोपकारा परेणम उपकारा षष्ठी तत्पुरुष। ग परिवाजक दीक्षम परिवाजकस्य दीक्षम षष्ठी तत्पुरुष। घ जीव जीवन गति जीवनस गति षष्ठी तत्पुरुष। ड ईश्वर प्राप्ति है ईश्वरस प्राप्ति षष्ठी तत्पुरुष। का नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद, दूसरा नरेंद्र नाथ माता तो भुवनेश्वरी देवी, नरेंद्र नाथ पिता विश्वनाथ दत्त, चौथा नरेंद्र नाथ गुरु रामकृष्ण परमहंस, नरेंद्र नाथ प्रिय शिष्य भगिनी निवेदिता। प्रश्न चौथा शुद्ध वाक्यम सक्षम आम अशुद्ध वाक्य सक्षम न इति लिखतु। का पुरुषा करु आम। ख आत्मभावस विकास एवं कर्म आम। ग जीवना जीवन शास यार्थ उन्नति नास्ति न स्वार्थ भाव एवं मृत्यु आम। परोपकार अपवित्रम कार्य स्मृति न। प्रश्न पांचवा उचितेन पदेन रिक्त स्थान पूर्य, तो का प्रतिग्रहण से कामना, तो आएगा करु। ख चरित्र बलम धारियत, नरेंद्र नाथ पिता का आसी तो अभिभाष का। घ अनाथ भावस्य विकासम एवं आकर्म। स्वामी विवेकानंद जन्म खनिष्ठा भवत, तो कोलकाता नगरी। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ।